बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं काले चने। हमने लिए थे 400 ग्राम चने, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फूले हुए हैं सारे चने। अब इनको हम प्रेशर में डालते हैं। ये दो गठी लहसुन की मैंने छीली थी, ये हम इसमें शामिल करते हैं। तीन दरमियाने साइज के प्याज थे जिनको मैंने काट लिया इस तरह से रफली, ये भी हम इसमें शामिल करते हैं। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि चने और तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से डूब जाएँ। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम प्रेशर बंद करते हैं। वेट चलने के बाद तकरीबन 20 मिनट हम इसको चलाएंगे, फिर चने गलती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चने जो है वो गल चुके हैं। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखते हैं और बकाया मसाले जो इसमें शामिल करते हैं, इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं पानी खुश्क होने तक। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये दो बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इनको पानी में डालने से इनका छिलका जो है मैंने रिमूव कर दिया। और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ये भी इसमें शामिल करती हूँ, इनका फाइन पेस्ट तैयार करके तो फिर मैं चनों में शामिल करती हूँ। टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट तैयार किया ये इसमें शामिल करती हूँ। पानी खुश्क होने तक मैं पकाती हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। चनों में से तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/2 कप ऑयल। इसी के साथ ही 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ये भी हम इसमें शामिल करते हैं और बिल्कुल ऑयल आने तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ज़बरदस्त से चने जो है वो भून चुके हैं। देखें मसाला कितना अच्छा जो है वो स्मूथली मिक्स हो गया, चनों में ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करना है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी शामिल करें, और अगर आपको कम पसंद है तो कम शामिल करें। मैंने इतना पानी डाला है कि चने जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। थोड़ा सा जब ये 2-3 इसको बॉयल आएंगे तो ये चने इसमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो तब हमारा शोरबा जो है वो डन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत ज़बरदस्त शोरबा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गर्म मसाला पिसा हुआ और हरा धनिया 1/4 टीस्पून मोटा कुटा हुआ गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया माशाल्लाह से चने के सालन को 4 चांद लगा देते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी खाना हमारा जो है वो तैयार है, चनों का शोरबा। लाजमी ट्राई करें और ये कम से कम वीकली एक बार लाजमी बनाया करें, मौसम चेंज जब हो रहा हो। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।